नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा। और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। सो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है तबला। ये आपको गंदा सा तबला नजर आ रहा होगा दोस्तों, न जाने कैसे कैसे हाथ लगे होंगे, गंदे बंदे। तो क्या होता है, हमारा तबला भी गंदा हो जाता है। सो दोस्तों, कई लोगों का हाथ बजाते हुए पसीना छोड़ता है, तो ये स्किन ब्लैक हो जाती है। और हम ना ये देखते कि तबला खराब हो गया, होता कुछ नहीं है, ये लेदर बिल्कुल नया है। हमारे हाथ की मैल जम जाती है और इस पे मिट्टी धूल कट्टा वगैरह जम जाता है। धूल मिट्टी जमने की वजह से थोड़ा सा तबला हमें गंदा लगता है। और हम लोग क्या करते हैं कि बाजार में ले जाके जनाब जी नया पूरा डलवा के आ जाते हैं, है ना। और उससे हमारा नुकसान हो जाता है पैसों का। हालांकि तबला अपनी जगह पे सही बोल रहा होता है, बस थोड़ी सी रंग रूप खराब हो जाता है और हम उसको लेदर को चेंज करवा देते हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पैंतरा बताऊंगा जिससे कि आप अपने तबले की हिफाजत कर सकते हो और अच्छे ढंग से संजो के सवार के साफ सुथरा रख सकते हो। आपने क्या करना है, इधर कैमरा, एक ऐसा कपड़ा लेना है और एक ग्लास पानी लेना है। एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, अभी आपके आंखों के सामने तबला चमक जाएगा बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि बाजार में गाड़ी लेके गए वॉशिंग करवाने, निरमा पाउडर लगा लगा के गाड़ी धोना चमका के उसके बाद रोड पे दौड़ाते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा तबला साफ करना। ऐसे करना है, उंगली फंसा के देखो दोस्तों, नज़दीक देखो, आपके सामने सारी स्किन वाइट हो जाएगी। बस ये स्याही से बचा के रखना है, देखो ये रंग छोड़ता है, देखो है ना, स्याही से बचा के रखना है। बस ऐसे करते करते पानी के साथ साफ कर देना दोस्तों। इसी तरह हमारा तबला एकदम बेहतरीन चमकदार बन जाएगा। और घर में पुराने से पुराना तबला भी आप कपड़े से साफ कर सकते हो लेदर को, और 10 लोगों के बीच में अपना तबला रखने लायक कर सकते हो। पानी लगा के साफ करना है आपने, और ऐसे क्या होगा, पूरा तबला नया हो जाएगा। थोड़ा सा इसको साफ करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने बजाना नहीं है, क्योंकि तबला तबले का जो कूड़ा होता है वो सुर का उसका सुर उतर जाता है। कुछ इस तरीके से साफ करना है। तो दोस्तों, कारीगर लोग ऐसे ही साफ करते हैं, इसी तरीके से पूरा तबला साफ करते हैं। बस जोर लगा के थोड़ा सा उंगली का आपने साफ करते जाना है। ध्यान रखें कि ये स्याही बचा के, क्योंकि स्याही पानी के साथ पिघल जाती है। तो आपको मैंने बता भी दिया है कैसे पिघलती है, अगर इस पर पानी गिर जाएगा तो ये सारी मेल्ट हो जाएगी और गल जाएगी, फिर बहुत दिक्कत होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर सफाई हो रही है तबले की, अब यही पूरा एकदम नया हो जाएगा, चमचमाती कार जैसा। तो क्या है कि ऐसे आपने पूरा देख रेख करना है। अभी एक बार और साफ करूंगा पानी लगा के। देखो दोस्तों, आपके सामने ही था क्या था और क्या बन गया तबला। थोड़ा सा और पानी लगाऊंगा, देखो इसमें उंगली ऐसे डुबोनी है, ऐसे करके बस ऐसे साफ कर देना है। इतना सा काम था और हम लोग सोचते कि हमारा तबला खराब हो गया। एक हमारे भाई साहब पड़ोस में ऐसे ही हुआ करते थे, किसी को जाके जनाब जी पूरा दे आए और पूरा गंदा होके आ गया। उन्होंने कहा कि हमारा तबला खराब कर दिया उन लोगों ने। ऐसे करना कुछ नहीं होता दोस्तों, बस थोड़ी सी साफ सफाई रखनी है साज की। और ये देखो, आपकी आंखों के सामने पूरा तबला बेहतरीन तरीके से साफ कर दिया है। तो ये बिल्कुल पूरा दोस्तों नया हो गया है। अगर ये प्लास्टिक की बदरी ना होती तो ये भी साफ हो जाता। इसी तरह आपने डुग्गी को साफ करना है। अब इस पे बच्चे ने क्या है, सीखने वालों ने पेन घुमा रखा है, वो भी साफ हो जाएगा। वो भी अमर होके नहीं आया ऊपर से, जैसे जैसे देखो ऐसे पूरा साफ होगा। तो दोस्तों, ऐसे पानी लगा के साफ करना है। कम से कम दोस्तों ये 80% कूड़ा साफ हो जाता है। वो नई तो नहीं बन सकती, पर साज को बेहतरीन तरीके से साफ जरूर किया जा सकता है। जब हम लोग सीखते होते थे ना, तो हमें हमें किसी ने ये बताया नहीं कि ये ऐसे साफ होता है। तो हम वैसे ही इत्तेफाक, कई बार क्या होता है कि तबले का पूरा डलवाने के लिए चले जाते थे,
तो वहाँ हम देखते थे कि कारीगर ऐसे ही साफ करते थे, और ये बट्टा लगा लगा के इसको चिपकाया होता है। देखो दोस्तों, ये साफ हो गया। अब इसको बिल्कुल बचा बचा के साफ करना है ऐसे। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसको धूप में रख देना थोड़ी देर मिनिमम। अगर तेज धूप है, जून का महीना है, तो 5 मिनट रख दो, और अगर नवंबर का महीना है तो 2 घंटा। मतलब गर्मी में ज़्यादा देर रखोगे तो तबला फट जाएगा धूप में रखने से। दोस्तों इस तरीके से साफ होता है, पूरा एकदम चमका देना ऐसे। मैंने सोचा कि चलो आज मेरा तबला थोड़ा पुराना हो किस्सा लग रहा है, तो मैंने बोला कि चलो आज इसको साफ करना सिखाते हैं यूट्यूब पर। तो इसको कहते हैं कि तबले की देखभाल कैसे करना है। दोस्तों अगर आपका तबला साफ होगा ना, तो आपका हाथ बजाने में अड़ेगा नहीं, आप बड़ी सफाई के तरीके से बजाओगे। तो किसी ने कहा है कि साज को साफ रखने की जिम्मेवारी भी साजी की होती है, किसी और की नहीं। तो दोस्तों ये जो पेन के दाग है, यहाँ थीनर लगा के साफ किया जा सकता है ऐसे। मैंने तो जस्ट एक पानी से बिल्कुल नया कर दिया पूरा। अब इसका सुर उतर गया है, अब इसको हमने ट्यून कर देना है 1 घंटे बाद, जब पूरा पूरा सूख जाएगा। क्या होता है दोस्तों, कई बार नया पूरा होता है ना, तो कारीगर क्या होता है कि पानी लगा के ना ये लैदर को लूज कर देता है, फिर जाके लैदर चढ़ाते हैं। और जब तबले का पूरा बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो पानी लगा के चिपकाया होता है, फिर धागे से बून के इसको पूरा मढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे तबले की कारीगरी करके तबला तैयार किया जाता है। दोस्तों दो जो था जोड़ी कैसे साफ करनी है, सारा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ गलत सिखाया हो, अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कभी भी दोस्तों खुला हाथ नहीं मारते। देखो इसका स्याही उधड़ गया है। अब इसमें क्या है कि आप बाजार से कहीं, ये नहीं कि क्या कहते हैं इसको, जो पानी वगैरह रोकने के लिए क्या करते हैं इसको, एमसील। कई लोग यहाँ पे एमसील लगा दे। दोस्तों ये गलती नहीं करनी, सीधा कारीगर के पास लेके जाना है। एक पाउडर होता है, उसमें मल के लगा देना, आटे की तरह चिपका देना है, तो वो स्याही होती है। कभी खुले हाथ नहीं मारना, और हमेशा ये उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, हाथ में चुभता है फिर ये बाद में। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको तबला साफ करना सिखाया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।